बिहार में एक बार फिर सुशासन बाबू अपनी ही बोली पर पलट गए और फिर नौवीं बार उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब पलटू बाबा ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। बता दें कि 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट है, जिसमें नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है। वहीं अब खबर आई है कि बिहार फ्लोर टेस्ट से पहले एक बड़ा उलटफेर हुआ है। लालू यादव के 12 विधायक गायब हो गए हैं। 2 विधायक चेतना आनंद और नीलम देवी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है और 10 विधायक बुलावे के बाद भी मिलने नहीं पहुंचे हैं। वहीं बिहार में 2 दिन बाद फ्लोर टेस्ट है और अब लालू यादव के 12 विधायकों का अता पता नहीं है, जिसके चलते आरजेडी को फ्लोर टेस्ट से पहले ही एक बहुत बड़ा झटका लग गया है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए अभी भी अग्नि परीक्षा खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 4 विधायकों वाली पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम को विश्वसनीय नहीं माना जा रहा है। बता दें कि पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने पहले ही ये बताकर सत्ता पक्ष को शंका में डाल दिया था कि लालू प्रसाद की तरफ से उन्हें सीएम पद का ऑफर दिया गया था। अब ऐसे में मांझी अगर पार्टी बदल देते हैं तो सत्ता पक्ष में नुकसान हो सकता है, लेकिन एक पहलू ये भी कहता है कि नुकसान की भरपाई के लिए राजद के असंतुष्ट विधायकों का सहारा सत्ता पक्ष को मदद पहुंचा सकता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब 12 तारीख को क्या कुछ बड़ा होता है। कई सवाल है, क्या 12 को नीतीश कुमार को बिहार में सरकार मिलेगी या फिर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।